गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुनाल इंस्पायरिंग पर। हम वापस से अपना पॉलिटिशन कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आज के इस पॉलिटिशन में हम भारत के महान्यायवादी और भारत के महाअधिवक्ता को समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो इस स्थिति में हमारा यह फर्ज बनता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम समझते चले। तो सबसे पहले हम भारत के महान्यायवादी को समझते हैं। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी पद पर के वेणुगोपाल विराजमान है, वह इस पद को संभाल रहे हैं। इसकी नियुक्ति देखी जाए तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दरअसल भारत के संविधान में भारत के महान्यायवादी से जुड़ी किसी बात को नहीं बताया गया है, ना ही यह बताया गया है कि इसकी नियुक्ति, ना ही इसकी योग्यताएं, वेतन भत्ते या कार्यकाल पदत्याग इत्यादि इन सब बातों के बारे में बताया नहीं गया है। परंतु अनुच्छेद 76 यह कहता है कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भारत का महान्यायवादी होगा, तो इसीलिए ये सारी जिम्मेदारियां भारत के राष्ट्रपति पर आ जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी योग्यता की बात करें तो भारत के महान्यायवादी में वह सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो योग्यताएं देश के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश में होती है। यानी कि सबसे पहली बात तो यही कि वह भारत का नागरिक हो, वहीं दूसरी बात यह भी जरूरी है कि वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल जज के पोस्ट पर रहा हो, या फिर वह उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसने एडवोकेट का काम किया हो, तो इस स्थिति में वह भारत के महान्यायवादी पद पर स्थापित हो सकता है। वहीं कार्यकाल, वैसे तो संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से यह कहा जाता है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वहीं इसको हटाने का दायित्व भी राष्ट्रपति का ही होता है। साथ ही भारत का महान्यायवादी कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, उसके बाद यह पद छोड़ सकता है। वहीं यदि यह कार्यकाल से समझा जाए, अब तक की स्थिति से ऐसा देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि भारत का महान्यायवादी मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार के साथ साथ ही पद छोड़ता है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की सिफारिश अनुसार ही बनाया जाता है। इसलिए भारत का महान्यायवादी को मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र के साथ ही अपना त्याग पत्र भी देना होता है। वहीं अगर इसके कार्य और शक्तियों की बात करें तो इसको वह सभी विषय देखने होते हैं जो भारत सरकार के विधि से जुड़े हुए विषय होते हैं। साथ ही भारत का महान्यायवादी उन विधि से जुड़े विषयों को भी देखता है जो भारत सरकार से जुड़े हुए हों, और राष्ट्रपति उन विषयों पर देखने की सलाह करे। परंतु यदि इन विषयों पर भारत का महान्यायवादी किसी भी प्रकार का कोई विचार व्यक्त करेगा तो वह विचार केवल सलाहकारी ही हो सकता है, इसके अलावा वह विचार कभी भी भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं साथ ही साथ महान्यायवादी पर यह भी जिम्मेदारी आती है कि वह विधिक स्वरूप के अन्य कार्य भी संभाले। यानी कि भारत के महान्यायवादी को विधिक स्वरूप के वह सभी कार्य भी संभालने होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। साथ ही साथ यदि कोई कार्य संविधान या किसी अन्य विधि से जुड़ा हुआ है या फिर वो महान्यायवादी के कार्य क्षेत्र के तहत आता है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को देखने का काम भी भारत के महान्यायवादी का ही होता है। वहीं इसके कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि अगर सरकार की तरफ से कोई विषय है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस जगह पर भारत सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत के महान्यायवादी को भेज सकती है। वहीं साथ ही संविधान का अनुच्छेद 143 यह कहता है कि जो भारत का महान्यायवादी है वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी के कुछ अन्य अधिकार और मर्यादाएं भी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद हो या कोई अन्य पद भी हो, हर पद अपने आप में मर्यादाएं रखता है। वहीं भारत के महान्यायवादी का पद भी मर्यादापूर्ण है। साथ ही इसके कुछ अन्य अधिकार हैं, जैसे कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कभी भी शामिल हो सकता है, यह अधिकार इसे प्राप्त है। परंतु भारत का महान्यायवादी कभी भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेगा तो उसके पास मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि मताधिकार के बिना वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। साथ ही साथ भारत के महान्यायवादी की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। भारत का महान्यायवादी कभी भी भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त नहीं करेगा। साथ ही भारत का महान्यायवादी कभी किसी क्रिमिनल का बचाव नहीं करेगा जब तक कि भारत सरकार उसको ऐसा करने का निर्देश
ना दे। वही साथ ही अगर भारत सरकार के द्वारा भारत के महान्यायवादी को कोई विषय सौंपा गया है तो उस स्थिति में भी भारत का महान्यायवादी उस विषय के ऊपर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेगा। ये सब भारत के महान्यायवादी की मर्यादाएं होती है। वहीं भारत के महान्यायवादी के जुड़े हुए कुछ अन्य लोग होते हैं, जैसे कि राज्य का महाअधिवक्ता। यह हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी की स्थिति केंद्र स्तर पर होती है, उसी प्रकार से राज्य के महाअधिवक्ता की स्थिति राज्य में होती है। राज्य के महाअधिवक्ता का पद संविधान के अनुच्छेद 165 में बताया गया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसको हम बहुत आसानी से इस तरह समझ सकते हैं, जिस प्रकार से महाअधिवक्ता राज्य में काम करता है उसी तरह से भारत का महान्यायवादी केंद्र में काम करता है। तो महान्यायवादी की जो केंद्र वाली स्थिति है वही महाअधिवक्ता की राज्य में स्थिति है। इसको समझने के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, वहीं राज्य का महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वहीं राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह राज्य के अंदर महान्यायवादी के अनुपूरक के रूप में काम करता है। वहीं योग्यता और वेतन की बात करें तो इसके अंदर वह सभी योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। जैसे कि 10 वर्ष तक यह न्याय अधिकारी के रूप में काम करते हुए होना चाहिए, या फिर इसको 10 वर्षों का हाई कोर्ट में वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह भारत के किसी भी राज्य का महाधिवक्ता बनने के योग्य होता है। वहीं साथ ही साथ अगर कार्यकाल की बात की जाए तो महाअधिवक्ता के कार्यकाल की बात भी संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं की गई है। यह जिम्मेदारी भारत के राज्यपाल पर आती है। यानी कि अगर महाअधिवक्ता की स्थिति के अनुसार देखें तो राज्य का राज्यपाल किसी भी समय कभी भी मंत्रिमंडल की सिफारिश से राज्य के महाअधिवक्ता को उसके पद से हटा सकता है। वहीं साथ ही यदि कभी भी यदि मंत्रिमंडल सिफारिश करे तो ऐसी स्थिति में भी महाअधिवक्ता को हटाया जा सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के साथ साथ ही महाअधिवक्ता को भी त्याग पत्र देना होता है। और बाकी इसके अलावा यदि पदत्याग की बात करें तो यह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेगा। कार्य और शक्तियां महाधिवक्ता की वह सभी कार्य और शक्तियां होती हैं जो कार्य और शक्तियां महान्यायवादी के केंद्र स्तर पर होती है। यानी कि यदि कोई भी राज्य का विषय है या भारत सरकार का विषय है और राज्यपाल के द्वारा वो सौंपा जाता है तो उस विषय की देखरेख महाधिवक्ता करेगा तथा उस पर अपने विषय को पूरा करेगा। साथ ही यदि ऐसा कोई कार्य है जो राज्य के महाधिवक्ता के कार्य क्षेत्र में आता है तो ऐसा कार्य भी महाधिवक्ता को देखना होता है। साथ ही साथ इसकी यह जिम्मेदारी है कि यह सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जाए। वहीं इसके भी अन्य अधिकार और मर्यादाएं हैं। इसके भी वही मर्यादाएं और अधिकार हैं जो महान्यायवादी के केंद्र स्तर पर थे। यानी कि भारत के राज्य का महाअधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार के अधिकार के बिन। वहीं इसकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत सरकार के खिलाफ कभी भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी व्यक्त न करे और यदि इसको कोई विषय सौंपे जाए तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी ना दे, उन विषयों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करे। तो यह थे हमारे आज के भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाअधिवक्ता के टॉपिक जो हमने अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165 के तहत समझे। मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ी हुई सभी बातें आपको क्लियर हुई होंगी और आप आने वाली परीक्षाओं में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उन सभी के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।